नमस्कार नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि सीएचईएन कोर्स पढ़ते हैं, उनका सीएचईएन 120 कोर्स पढ़ते हैं, उनके लिए एक टॉपिक गैसेस स्टेट का पार्ट फर्स्ट लेके आई हूँ, जो कि पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम हो गया है, सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो सेमेस्टर सिस्टम में गैसेस स्टेट हमारी एक यूनिट है, उसका मैं आपको कुछ इस यूनिट को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैसेस स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, देखिए, अमंग अस द थ्री कॉमन स्टेट ऑफ मैटर द गैसेस स्टेट इज द सिंपलेस्ट। आपको पता है किसी भी स्टेट की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें से क्या है, गैस एक स्टेट है। द लॉ इज गैसेस बिहेवियर आर मोर यूनिफॉर्म एंड आर बेटर। गैसेस स्टेट पर जो लॉ बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह से समझने वाला है, बेटर अंडरस्टूड। बेसिकली दिस यूनिट वी लर्न अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, बॉयल्स और टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। सो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ और टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप जिसे हम क्या कहते हैं चार्ल्स लॉ, एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ लॉज, तथा साथ में दोनों लॉ के बीच में रिलेशनशिप, यानी कि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप भी समझेंगे। तथा इस यूनिट का बेसिक मोटो क्या है, वी फाइंड आउट द आइडियल गैस इक्वेशन। कहने का मतलब है इस यूनिट में हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और साथ में बॉयल्स लॉ तथा चार्ल्स लॉ दोनों के बीच में रिलेशनशिप, जिसको हम बाद में कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को मिक्स करके बनती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री फॉर्म ऑफ मैटर। दीज फॉर्म ऑफ मैटर डिफर कंसिडरेबली इन देयर प्रॉपर्टीज। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट होती है मैटर की, जो कि क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करती है, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट, सम ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है गैस की। यानी कि हम गैस को, गैस का प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी गैस का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड करेंगे, उसका टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे, ये सब चीजें फाइंड करने का जो प्रोसीजर है हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। हम कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, कौन से लॉ को देखेंगे, किस लॉ का यूज करके टेम्परेचर फाइंड किया जाता है, किस लॉ का यूज करके प्रेशर फाइंड किया जाता है, ये सब चीजें हम यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आर दीज फोर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द लॉ, स्टेट ऑफ द गैस। क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम, जो तीन होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं किसी भी गैस के लिए। द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज वेरिएबल्स लेड टू डिफरेंट गैसेस लॉ, जिसके आधार पर हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लॉ को डिस्कस करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसके द्वारा हम किसी भी गैस की प्रॉपर्टीज को, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने कहा टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, सब चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि इसके गैस की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो हम डिस्कस करते हैं, क्या गैस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसको हम गैस कहते हैं, गैस को कहने के पीछे क्या लॉजिक है, और गैस की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो इन लॉ को डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वैसे भी एग्जाम में बहुत आता है, राइट डाउन द सम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द गैस। कई लोग इसको पोस्टुलेट्स कहते हैं, कुछ लोग हम इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज या फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द गैस, गैस ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस इन द स्पेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड। गैस क्या होता है, खाली जगह पे ऑक्यूपाई करता है अवेलेबल स्पेस। सारे गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारा कोई कंटेनर है तो अगर ये खाली कंटेनर है तो गैस ये एम्प्टी स्पेस का कवर करती है, और गैस का अपना एक भार भी होता है जिसका उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विच दे आर फिल्ड। जिस बर्तन में वो रखी होती है उसके अनुसार उसका अपना क्या है, वॉल्यूम होता है। इस बर्तन पर रखी है तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, कोई इस शेप के बर्तन पर रखी है तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, कुछ इस शेप के वॉल्यूम बर्तन में रखी हुई है, दोनों के शेप अलग अलग है, ठीक है, इस शेप के बर्तन में रखी हुई है कोई गैस तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अलग होगा, ठीक है, जितनी क्वांटिटी होगी उसी के बेसिस पर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी गैस की, क्या गैस ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस इन द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस बर्तन में रखी जाती है उसी के अनुसार अपना क्या कर देती है, आकार ग्रहण कर लेती है, जिस कारण उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नंबर टू, व्हेन कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड गैस शो द वेरी लो डेंसिटी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, लिक्विड और सॉलिड से, अगर गैस का कंपैरिजन किया जाता है, ये गैस के पार्टिकल है, उसका कंपैरिजन किया जाता है किसी लिक्विड के पार्टिकल का, अगर ये लिक्विड के पार्टिकल है तो, और अगर ये सॉलिड है, ये मान लीजिए कोई सॉलिड है, ये कोई ठोस मटेरियल है,
तो दे हैव वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे अगर चिपके नहीं होते तो इनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है जहाँ पे हवा भरी होती है, जिस कारण इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होता। एक्चुअल में गैस क्या होती है, जिस कंटेनर में रखी जाती है उसी के अकॉर्डिंग अपना वॉल्यूम अरेंज करती है। लेकिन सॉलिड होगी, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड होता है उनके पार्टिकल्स भी सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से क्या होता है, पास होता है। इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है किसका कंपेयर में, सॉलिड और गैस लिक्विड के कंपेयर में। ठीक, ये था आपका सेकेंड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर थर्ड, क्या द मॉलिक्यूल्स इन ए गैसेस एलिमेंट स्कैटर्ड बाय फोर्स इन द डायरेक्शन ड्यू टू द नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि गैस के मॉलिक्यूल्स ये ऊपर की तरफ को जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी मूव कर सकते हैं, 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 ये ऐसे क्रॉस में मूव कर सकते हैं, ये ऐसे क्रॉस में मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है द मॉलिक्यूल्स इन ए गैसेस एलिमेंट स्कैटर्ड बाय फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, स्कैटर्ड हो सकते हैं ड्यू टू द नेग्लिजिबल फोर्स, बिना किसी फोर्स के। कहने का मतलब है इनमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत। नंबर फोर पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो क्या कहता है, देखिए द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एलिमेंट इज नेग्लिजिबल। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है नेग्लिजिबल होता है, हैंड देयर फोर्स बिटवीन द हैंड देयर फोर्स हैंड हैंस देयर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज गैसेस मेक इन द मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ द मैटर। क्या कहने का मतलब क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एलिमेंट इज नेग्लिजिबल। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। कहने का मतलब है जैसे कि मैंने बोला गैस के पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर नहीं होते, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वो एक साथ कंबाइंड नहीं है, वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। अगर हम उसको किसी कंटेनर पर रखते हैं, जैसे कि मैं एक बैलून ले लूँ, इसके अंदर हमने गैस के पार्टिकल्स रखेंगे तो इन पर इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होगा, तभी नेग्लिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर इधर उधर बिखरे हैं, कहने का मतलब अगर आप ऐसे देखें, आप खुद सोचिए एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन होती है, अगर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता तो हम तो हवा में उड़ते रहते, लेकिन वो इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं, इधर उधर बिखरे। तो जो इस पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्कैटर्ड फोर्स बाय दिन और डायरेक्शन ड्यू टू द नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, अर्थात उनके बीच में उनके बीच स्वयं का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है नेग्लिजिबल माना जाता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एलिमेंट इज नेग्लिजिबल, और इस कारण उनका बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर रहकर किसी हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। हैंस देयर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मेक द मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ द मैटर। इसी कारण गैस जो होती है तीनों स्टेट में, सॉलिड लिक्विड और गैस जो होती है, मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट होती है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा यह बैलून है, बैलून के अंदर कोई गैस भरी हुई है, अगर गैस भरी इसको अगर मैं प्रेस करती हूँ, दबाती हूँ, तो बैलून का शेप ये हो जाता है। ठीक है, हो सकता है बैलून का शेप कुछ इस टाइप का हो जाए। ठीक है, इस तरह से प्रेस करो, तो जिस तरह से आप उसको प्रेस करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस होकर अपना आकार क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, अपना शेप चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है गैस आर मोर कंप्रेसिबल एंड दैट इन दिस कंटेनर दे आर पुट दे अरेंज द शेप, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, अपनी शेप को अरेंज कर लेती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ क्या डिस्कस करते हैं, देखिए द मॉलिक्यूल्स इन ए गैसेस एलिमेंट एब्जॉर्ब प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे इन विच कंटेन्स द गैस। यही बात मैंने अभी बोली, देखिए द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एलिमेंट एब्जॉर्ब प्रेशर ऑन द वॉल। जब किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को किसी कंटेनर में रख रहे हैं, आप गैस मॉलिक्यूल्स को किसी कंटेनर में रख रहे हैं, तो जैसे आपने इस कंटेनर रखा, अगर आपने इस कंटेनर रखा तो ये इसी के अकॉर्डिंग शेप ग्रहण कर लेगी, अगर इस कंटेनर में रखा है किसी बोतल में रखा तो इसी के अकॉर्डिंग, अगर किसी बैलून में रखा तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये अपना आकार ग्रहण कर लेगी, और आकार ग्रहण करने के साथ अब इसका अपना एक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक किसी निश्चित आकार के बर्तन में आ चुके हैं, और गैस के पार्टिकल्स यहाँ को प्रेशर बाहर की तरफ को प्रेशर या अंदर की तरफ को प्रेशर डालने के लिए सक्षम हो जाएंगे, यानी कि ये पार्टिकल्स बाहर की तरफ को प्रेशर डालेंगे बाहर से टकराएंगे वापस आएंगे, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बाहर की तरफ को अंदर की तरफ को इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है, ये टकराएंगे स्ट्राइक करेंगे एंड देन रिटर्न बैक टू ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है, यही इसका गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, यही इस चीज को एक्सप्लेन करता है द मॉलिक्यूल्स इन ए गैसेस कहते हैं प्रेशर भी डालता है और अपना शेप भी ग्रहण कर लेते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स क्या कहता है, देखिए व्हेन अ गैस कॉन्फ्लिक्ट इन अ वेसल गैस कॉन्फ्लिक्ट इन अ वेसल इज हीटेड इट्स प्रेशर इज इंक्रीजेड
अपॉन हीटिंग इन ए वेसल फिटेड विद ए पिस्टन वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजिंग। जब किसी गैस को किसी कंटेनर में रखा जाता है या पिस्टन में रखा जाता है, किसी पिस्टन के अंदर हमने बंद कर दिया ठीक है, और उसको हीट करा, नीचे से हमने क्या करी हीट करी, हमने इसके अंदर कोई गैस भरी है और उसको हमने क्या करा हीट करा, हीटेड इट्स प्रेशर इज इंक्रीज, तो गैस के पार्टिकल्स का प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई है कि जब गैस को किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं तो गैस के पार्टिकल्स अपना प्रेशर दिखाते हैं और जब वो फ्रीली मूव करते हैं उनके बीच में कोई प्रेशर नहीं होता है। तो ये हमने इसे कंटेनर के अंदर रख दिया ठीक है, एंड द प्रेशर इज इंक्रीज, ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज होगा अपॉन हीटिंग, हीट करने पर और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगातार मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। गैस के पार्टिकल्स इस कंटेनर में किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ये गैस के पार्टिकल्स हैं और किसी भी डायरेक्शन में कंटेनर के अंदर मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं और हमारा ये कंटेनर है, तो यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे और अंदर से बाहर की तरफ को भी जाएंगे ठीक है। एंड द वेसल फिटेड ए पिस्टन वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज, जिससे लगातार मूवमेंट करने के कारण गैस के पार्टिकल्स जो इसके अंदर मूवमेंट कर रहे हैं और हमने इसको नीचे से क्या दे रखे हीट दे रखी है, इसको लगातार हमने क्या कर रखा है गर्म कर रखा है, हीट देने से गैस के पार्टिकल्स का अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज, जिससे गैस का वॉल्यूम क्या जाता है बढ़ जाता है। नॉर्मल केस में गैस के पार्टिकल्स का अपना कोई भार नहीं होता ना, लेकिन जब उसको किसी कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो उसका अपना भार भी हो जाता है, उसका अपना प्रेशर भी हो जाता है और वो गैस उस कंटेनर के अकॉर्डिंग उस वेसल के अकॉर्डिंग अपना आकार क्या कर लेती है ग्रहण कर लेती है। तो ये हमारे कुछ 7-8 पॉइंट है जो कि हम एक्सप्लेन करते हैं गैस की प्रॉपर्टीज को, जो डिफाइन करते हैं गैस का एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है और जिसके द्वारा हम गैसेस के लॉ को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ओबे द गैसेस लॉ, और गैसेस लॉ के अंदर हमें मैंने आपको बता ही दिया हमारी गैसेस लॉ के अंदर बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ एवोगैड्रो लॉ साथ में आइडियल गैस इक्वेशन आती है, इन सबको डिस्कस करने के बाद ही हम सारे लॉ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।